अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सिंधु दीदी का कमरा में है, उनको ब्याह का तैयारी मैंने उलझा के रखी है। गुड, ये प्लान एकदम ठीक है। संजीव और सिंधु की शादी 24 घंटे सब ठीक चल रहा है। सिद्धि को लग रहा है इसी तरह से वो तुमको इस घर से बाहर करने में सफल हो जाएगी, इसीलिए जुट गई है शादी की तैयारियों में। और हमारा जीत तो तब होगा जब हम अंजलि दीदी के पास से राजीव बाबू के खिलाफ जो फर्जी सबूत है और जो पेन ड्राइव है वो हासिल कर लेंगे, और हासिल करके उसको नष्ट करना होगा, उसको खत्म करना होगा। ये ब्याह की आड़ में ही हमको पेन ड्राइव को ढूंढना होगा। इस वक्त राजीव जी हमारी गिरफ्त में है। राजीव जी कितना भी भड़के कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको अपने राजनीतिक भविष्य से ज्यादा अपने परिवार की फिक्र है। उनको डर है कि अगर हमने पेन ड्राइव और झूठा सबूत दुनिया के आगे खोल दिया तो चंदेल परिवार तबाह हो जाएगा। कल तुम्हारी शादी कोई नहीं रोक सकता, तुम्हारी शादी कल होके रहेगी और उसके बाद हम धक्के मार के कुहिया को घर से दफा कर देंगे। वाह, यस। और तुम्हारा काम, तुम्हें ये देखना है कि सारी शादी की तैयारियां ठीक तरीके से हो रही है कि नहीं हो रही है, कोई भी रुकावट नहीं आनी चाहिए शादी की तैयारी में। और जाओ, जाके कुहिया को बोलो मेहंदी की तैयारी करना शुरू करे। जाओ। क्या हुआ? वो आई कुछ थिंक कर रही थी। अपने बता से बराबर दिमाग से सोचो मत, सोचने का काम हमारा है तुम्हारा नहीं। तुम्हारा काम है कि जो हम कहें वो करने का। जाओ कुहिया चुहिया के पास, बोलो महीने की तैयारी करे। शादी को रोकने के लिए हमें कोई ना कोई तरकीब निकालनी होगी। कुहू और कोयल की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दे सकते हम। बस एक दिन और एक दिन राजीव बाबू, और एक दिन कस सह लीजिए। कल हमारे और आपके बीच का जो भी गलतफहमी है ना सब दूर कर देंगे। काया की गगरिया पे कांच की नजरिया, कहो डारे तूनी ऐसी रे सवरिया। रह गई सधवन गवाई के, रह गई सधवन गवाई के। छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाई के। छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाई के। क्यों हो तुम इस घर में? तो जाए कहां? प्यार करती हो हमसे अब भी? अरे बताओ हमको कुहू, जवाब दो हमें। प्यार करती हो हमसे, हमारे साथ रहना चाहती हो तुम,
इतना कुछ कर रही हो तुम हमारे लिए, इस घर में तक आ गई, बताओ ना हमको, जवाब दो ना कुहू। कैसी बकवास फीकी चाय बनाई है अंशिनी? राजीव बाबू ठीक है, कोई बात नहीं, आप यहाँ से जाइए। हाँ हम ठीक है, जाइए। अब राजीव बाबू अपने परिवार के लिए, हमारे लिए यहाँ से जाइए। जो तुम्हारी आंखों में डर है बहुत अच्छा है, हमको पसंद है, इसको बनाए रखना, भूलना मत। अब जा, जाकर मेहंदी की तैयारी करो। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। इका इका मनहूसियत फैला रखी है, जश्न का माहौल है, गाना बजाना करो, नहीं तो रघुवेंद्र जी से कहो कि राजीव जी का बैंड बजवा देंगे। की तरह खड़ी हो, कमर मटकाओ, कूले हिलाओ, शादी का घर है, नाचो। देखो हमारी बात मानोगी तो खुश रहोगी, नहीं तो रोना पड़ेगा। अब नाच रही हो कि रुलाएं? बस पकड़ो, बाहर से मंगवा के खा लेना कुछ अपने लिए, चाउमीन साउमीन, बढ़िया। फिर भी तो मैं क्या करूं, मैं इसका फंसा दिया इसने मुझे। अम्मा क्या संजू बाबा की शादी हो रही है? मैं उनको संजू बाबा नहीं बुला सकती कल से, फिर मैं उनको क्या बुलाऊंगी? कुछ भी नहीं कोयल, एक बार तुम्हारे संजू बाबा की शादी हो जाएगी, फिर तुम लोग भी इस घर से चले जाओगे, तो किसी को भी कुछ बोलने बुलाने की जरूरत ही नहीं है। अंशिनी, अपनी इन हरकतों से बच्चों को दूर रखो, समझी? बेटा ये ऐसी मजाक कर रही है, आप लोग कहीं नहीं जा रहे, ओके? आप एक काम करिए, आप जाके कनक के साथ रूम में खेलिए, आपकी मम्मी आपको सब समझा देगी बाद में। ओके हीरो अंकल। वाह राजीव जी वाह, आप भी कमाल करते हैं, एक पराई बच्ची से इतना प्यार। पराई नहीं है वो, हाँ कोयल हमारी बेटी नहीं है लेकिन हमारी बेटी जैसी है वो। इतना भी दिल लगाना अच्छा नहीं, अभी लोग चले जाएंगे फिर आपको बहुत दुख होगा। राजीव जी सब बात छोड़ो, आप हमारी हाथ पर मेहंदी से अपना नाम लिख दो, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे फिर बदले में हम क्या करेंगे, पता है ना? अब एक ही धमकी कितना बार दोहराएं? आओ।
राजीव बाबू, बस एक दिन और सह लीजिए दीदी का अत्याचार, बस एक दिन और। राजीव जी का नाम हमारे हाथ पर कितना जचता है। हथेली पे तो लिख दी, पर तकदीर तो कोरी ही है तुम्हारी दीदी। बदतमीज, अरे इतना हाथ पर मत चला, अभी तो सिर्फ नाम ही लिखवाया है। ईमान के साथ साथ पाँव ना फिसल जाए। लो, हथेली भी साफ हो गया। किस्मत में तो लिखा ना था, अब खुद का लिखा भी मिट गया। जिसके तकदीर में था उसकी हथेली पे छप गया। ज्यादा उड़ो मत, अपनी किस्मत का लिखा गौर से देखो। तुम हमको उस दरवाजे से जाती हुई नजर आ रही हो।